हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले इसका पहला भाग आप देख ले। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसकी पहली जो भाग है ये बोर्ड नंबर की हिसाब से, यानी ये वीडियो का जो बोर्ड नंबर है, ये बोर्ड का जो बोर्ड नंबर है उस बोर्ड नंबर के हिसाब से आप पहला जो वीडियो है वो पहले देख ले। इसके बाद इस दूसरी वीडियो को देखने में आपको सहूलियत होगा और समझ में आएगा। हम लोग पहला वीडियो जो 20 मिनट की लगभग में बनी थी, तो उसको हम लोग पहले तक में हम लोग इसको यहाँ तक हम लोग जान लिए थे, यानी बिफोर वाली और बाद वाली, मतलब आफ्टर वाली जो है वो हमारी बाकी थी। और ये जो हमारी स्टैंड बाई जो लाइट है वो जल रही है। अब हम इससे आगे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और चेकिंग प्रक्रिया हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा ट्रेन जो स्टार्ट होने जा रहा है कोलकाता में, अगर आपको इस डेट में अगर सुटेबल लग रहा है तो आप फ़ोन करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। कृपया करके आप ऐसे फ़ोन ना करें, क्योंकि अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तभी आप फ़ोन करें, और इस डेट में अगर लेना है तभी करें। बहुत लोग बोलते हैं कि अगली ट्रेनिंग कब होगी, तो ये अगली ट्रेनिंग भी हम नहीं जानते हैं कि कब होगा। पहले आपको इस ट्रेनिंग, इस डेट में आपको अगर जच रहा है तो आप फ़ोन करें। अगली ट्रेनिंग जब डेट निकलेगा, यूट्यूब फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी अगली ट्रेनिंग कब होगी। तो ये इस डेट के लिए आपको कृपया करके कॉल करना है। अब हम लोग आगे बढ़ जाए और तुरंत को फिर से हम लोग ये चालू कर दें, क्योंकि एक बार मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये सेट जो है हम लोग जेटेक किए थे, यानी डंप फाइल को डाले थे। तो ये इस तरह से हमारी लाइट है, और पहला भाग और दूसरा भाग हम एक ही दिन बनाए हैं, लेकिन इसको अपलोड करने के लिए समय लिया था कि ताकि सब कोई पहला भाग जो देख ले, उसके बाद सेकंड जो भाग देखने में उनको और समझने में काफ़ी सहूलियत महसूस होगा। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग पहला वीडियो जरूर देखें। और पहला वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6, यानी इस तरह से। आप अगर बोलोगे 1 2 3 इस तरह से तो डबल काउंट नहीं होने चाहिए। अब हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर पहली। तो पहला में हमारा जो वोल्टेज था वो था 1 वोल्टेज। यहाँ पर पहले वाले चार्ट पे ले जाइए आप, 1 वोल्टेज। लेकिन यहाँ पर क्या आया दोस्तों हमारा, 0 वोल्टेज। तो यानी इस जगह में अब हम लोग रेड पेन का यूज करेंगे, यानी 0 वोल्ट। ये आपको याद रखना होगा, 0 वोल्ट। यहाँ पर फिर दूसरा जो था हमारा सेकेंड, वो था हमारा 0.9। यहाँ पर क्या है, 0। यहाँ पर दिखाइए क्या है, 0.9। अभी हमारा कितना आया, 0। ये कैलकुलेशन आपको समझना होगा, ये फार्मूला जानना होगा, जो कि कोई इस तरह से आपको आज तक नहीं बताएगा डिटेल्स, क्योंकि वो लोग स्किप करते हैं, वो लोग सही नहीं। लेकिन आपको देखिए तीसरा क्या है, 1.4। हमारा तीसरा जो था 1.4, यानी ये 1.4 था, इसलिए हम इसको 1.4 लिख कर और सही का निशान लगाएंगे कि ये तो था, ठीक, करेक्ट। अब हम लोग चले जाएंगे चौथा, यानी फोर्थ नंबर, 3.2, यानी ये 3.2 भी हमारा यहाँ पर था। जो सेकेंड देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, फर्स्ट वीडियो आपको देखना है तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अब 3.2 वोल्ट, मतलब ये था, तो ये अभी है, तो हम लोग सही का चिन्ह लगाए। इसके बाद हमारा यहाँ पर चला आया 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट भी हमारी पहले में जो था ये था, तो यानी 5 यहाँ हमारा था, ठीक, इसको भी हम लोग सही लगा दिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अगला टारगेट ये है हमारा 0, यानी 6 नंबर जो हमारा था ये 3.3, ये आ गया हमारा 0। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि हो सकता है किसी को समझ ना हो, हर कोई का माइंड एक तरह से शार्प नहीं होता है, कोई एक बार में ही समझ लेता है, किसी को बार बार डबल रिपीट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो है,
हम यहाँ पर अगर बार बार आपको रिपीट करेंगे तो हो सकता है दूसरे जो समझने वाले हैं उनको तकलीफ महसूस होगी, लेकिन वो भी लोग बोलते हैं कि आप डबल रिपीट करते हैं डबल रिपीट करते हैं, लेकिन जो समझदार है वो तो एक बार समझ लेंगे, जो थोड़ा कम समझने वाले हैं तो उनको हमको डबल बोलना पड़ता है। यहाँ पर हो गया आफ्टर बिफोर, देखिए पहले और बाद में। अब अगर ये आफ्टर बिफोर वोल्टेज आपका सही है, पहले समझने का कोशिश करिएगा, यहाँ पर समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है, आप सही से दिखाइए, इनको लिखा हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। पहले पहले और बाद, यानी बिफोर और आफ्टर दोनों की रिक्वायरमेंट वोल्टेज अगर सही है तो ये नो जेटेक, नो जेटेक याद रखना होगा, इसको जेटेक नहीं करना पड़ेगा। इसको तब क्या करना देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा फार्मवायर यहां पर। तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक में खिचड़ी पका देते हैं कि आफ्टर और बिफोर, ये वोल्टेज चार्ट जो देते हैं बोर्ड का, इस बोर्ड का वोल्ट चार्ट जिसको बोला जाता है, वोल्ट चार्ट जो देते हैं ये कभी भी मेंशन नहीं करते हैं कि आफ्टर कौन है और बिफोर कौन है, आप इसी कारण से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आखिर ये लोग वोल्टेज चार्ट कहाँ से निकालते हैं, वो तो खुद आपको भी निकालना है, हम अपने ट्रेनिंग में दे के चलते हैं कि आपको कैसे समझना है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आफ्टर और बिफोर ये दोनों हमारा जो है सही है, यानी ये पहले, मतलब पहले में ऑलरेडी था तो हमारा आफ्टर वाली कहाँ गया, तो यहाँ पर हमारा बाद और पहले यानी बिफोर और आफ्टर दोनों है। अब ये सेट हमारा स्टैंड बाई के आगे बढ़ने के लिए है, ये आपको याद रखना होगा। अब हम इसको जैसे की प्रेस कर रहे हैं, ये सेट हमारी स्टैंड बाई से दोस्तों रिलीज हो गई। अब रिलीज होने के बाद जब हम देखेंगे कि जो हमारा वोल्टेज 0.0 बन रहा था वो वोल्टेज सेम टू सेम ये वोल्टेज में तब्दील हुआ है, यानी एक नंबर हमारा 0, दो नंबर 0 और 6 नंबर 0, यानी हमारी तीन वोल्टेज जो है वो आ रही थी, तीन जो नहीं आ रही थी। तो हमारा अगर वोल्टेज को अगर चेक करेंगे तो एक नंबर में आपको दिखा दूं, पहला देखिए दोस्तों 1 वोल्टेज पहला, ठीक है, उसके बाद हमारा कितना है, दो नंबर, देखिए दोस्तों 2 नंबर हमारा 0.9, इसके बाद हमारा क्या है 6 नंबर हमारा 3.3, यानी हमारा सेट जो है ये 100% स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हमारा VCC देखना है, बहुत सारी सेट है स्टेट हो जाती है लेकिन VCC नहीं आता है, यानी पैनल की VCC, इसका मतलब क्या है कि वो सेट हमारा सही से जेटेक नहीं हुई है, ये भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी पैनल वोल्टेज जो है 12 वोल्ट LVDS की एक नंबर सॉकेट पर, यहाँ सॉकेट दिखाइए LVDS की एक नंबर सॉकेट पर हमारी 12 वोल्टेज प्रेजेंट है। ओके दोस्तों, बाय, नेक्स्ट वीडियो के